रेस लगाएगा क्या? चल रेस लगाते हैं। चलो लेट्स ट्राई। चलो मुर्दे गिरा अपना, वेट ज्यादा है। हां अरे वेट ज्यादा, दो जन भी तो है ना। हां है भी तो दो। ए रुक जा रुक जा रुक जा, पहले थोड़ा साइड तो हो जा। मालूम पड़ा एक दूसरे के मुंह पे मार दिया। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम जाने वाले हैं कोला बीच। कोला बीच पे ब्लू लगून, बैक वाटर, स्वीट वाटर लेक जो भी है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वहाँ हमको क्या मिलता है। चलो तो 30 मिनट की जर्नी करके मैं पहुँच गया हूँ कोला बीच। रास्ता बीच में 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब है मतलब स्कूटी पे जो है ना फट जानी है। तो किसी ऐसे को मत देना जिसने नई नई स्कूटी चलानी सीखी है, क्योंकि वो नहीं चला सकेगा। क्योंकि रास्ते ऊपर नीचे भी हैं, पथरीला रास्ता है और रेत बहुत है, तो हल्का सा भी बैलेंस गया तो आदमी गिर जाएगा। तो ये हो गया जर्नी, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। अभी हम कोला बीच की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमको क्या देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने जो रास्ते में देखा वो शायद सही कैमरे में आया होगा, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली है कैसा और फिर हम बाकी सब चीज़ें करते हैं। चलो तो अभी कायाकिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो मुझको जो डील मिला है वो ये भाई ने दिया है। तो आधे घंटे में अगर आप सिंगल आते हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो आपको आधे घंटे का 100 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, आप आना। तो आपका नाम क्या दादा? उपेन। उपेन, तो जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरोगे ना तो पूछ लेना उपेन कहाँ पे है। तो उपेन जो है लेफ्ट कोने पे कहीं तो खड़े रहते हैं। तो उपेन का आके आप कॉन्टेक्ट कर लो और कायाकिंग कर सकते हो। और आप आओगे अगर मेरा नाम लोगे तो शायद से 10 मिनट ही एक्स्ट्रा देंगे। देंगे पक्का? बोल दिया अभी सब लोग पूछ के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो आधा घंटा तो मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझको तो आधा भी लेता है तो भी कोई आधा घंटा रहता है हमारा, चाहे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो अभी अभी मुझको देखो 200 बोल दिया तुमको, मेरे को आधा घंटा ही देंगे लेकिन तुमको 100 में 40 मिनट देंगे। तो नोट करके आना और बाद में ये वीडियो दिखा देना इनको कि तुमने बोला था करके। तो अभी ये है, अभी ये मेरा बोट है कायाकिंग का। अभी हम जाएंगे, लाइफ में पहली बार कुछ एक्सपीरियंस करेंगे मज़ेदार। लेकिन यार पानी काफ़ी साफ है, काफ़ी मज़ा है। बाकी मैं कायाकिंग करता हूँ और आपको सब रास्ते में बता दो। चलो अच्छा ये ऐसा, अच्छा पीछे धक्का मारने का इसको। भाई बहुत डिफिकल्ट, इतना इजी है नहीं जितना आप उन सोच रहे। भाई मजा यार। अरे मेरे को लाइफ जैकेट तो दिया ही नहीं, मेरे को तैरना नहीं आता है। वापस जाना पड़ेगा, तैरना आता नहीं है, लाइफ जैकेट दिया नहीं है। इसी पानी में कुदा दिया, आज तो लोचे हो जाते भाई, लाइफ के लोचे हो जाते। लोग क्या प्यार नहीं करते क्या मेरे से? आता हो दादा? ऐसे यार मजा तो है, मजा आ रहा। ये नहीं किया तो क्या किया, ये नहीं किया तो क्या किया। एक बात है, बॉक्सिंग का फायदा हो गया कायाकिंग में। लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो कुछ नहीं किया मेरा भाई। बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब तुम पानी के बीच में हो, कायाकिंग कर रहे हो, पानी एकदम साफ है और आगे जाके तो डुबकी भी लगा सकते हैं। तो मैं तुमको जो है ना थोड़ा फ्रंट व्यू दिखा दूँ ताकि तुमको पता चले एग्जैक्टली कैसा होता है। तो ये भाई होता है ऐसा। तब इसमें हमने कैमरा पकड़ लिया है, लेकिन कैमरा पोजीशन कैसे करेंगे वो तो हमको पता ही नहीं है भाई। पलटी हो जाएगी, तभी तुमको थोड़ा मज़ा तो बहुत है यार, मज़ा आ रहा है। अभी ये मेरी बोट है पुरानी सी, लेकिन सही है, मज़ा है। मैं पहले बोट सीधी कर लेता हूँ फिर आपको बाकी सब बताता हूँ।
सिंपल सा फंडा है कायाकिंग का, लेफ्ट में जाना राइट मारो, राइट जाना लेफ्ट मारो, तो साफ सी बात है गलतियाँ करो, गलती करोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे, दिस इज़ द फ्लो ऑफ लाइफ, गलतियाँ करोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे, ऐसा कुछ है। तो अभी तो मैं सीधा हो गया, मैं आपको थोड़ा फ्रंट व्यू दिखाता हूँ कायाकिंग का। ओवरऑल मेरी बोट ऐसी है और ये पीछे का व्यू है, पीछे बीच है, यहाँ पे ब्लू लगून है जो भी तुम बोल सकते हो भाई, आप उन अकेले पूरा समुंदर हाँ इधर आराम से बैलेंस बना के रखना, गांड फट जाएगी नहीं तो। तो अभी हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं और आगे लेके चलते हैं, चलो। पानी इतना शांत है, ऊपर से सब पेड़ों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, फिशेज नहीं है क्या इसमें? तुमको थोड़ा अंदर का व्यू दिखाते हैं। ओहो, तो ये है भाई कयाक, मज़ा आ रहा है, बहुत मस्त है। अब तुमको कुछ और दिखाते हैं, चलो अब तुम चलो पानी के अंदर। मज़ा आया? अरे बहुत सही चीज़ है भाई, 100 रुपये में क्या लोगे, और क्या लोगे 100 रुपये में? इससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा आपको 100 रुपये में भाई। सही है, पहले हम अपनी बोट से पहले निकल लेते हैं। अटक गया क्या? रेस लगाएगा क्या? चल रेस लगाते हैं। चलो लेट्स ट्राई। चलो मुर्दे गिरा अपना, वेट ज्यादा है। अरे वेट ज्यादा, दो जन भी तो तुम लोग है ना? हाँ है भी तो दो। ए रुक जा रुक जा रुक जा, पहले थोड़ा साइड तो हो जा, मालूम पड़ा एक दूसरे के मुंह पे मार दिया। थोड़ा उधर हो जा। भाई अपने को मिल गया रेस लगाने वाले। अरे लेकिन जीतेगा हारेगा उसका कुछ फैसला तो करो, क्या होएगा? चाय तो पिलाओगे ना? तो पक्का जो जीतेगा भाई उसको फ्री की चाय मिलेगी आज। अरे भाई गाड़ में घुस जाओगे यार, थोड़ा गैप कर लो। गैप कर। चल भाई स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। रेस लगी है आगे। जीतूंगा तो मैं ही, जीतने के इरादे से आया हूँ मैं। हाँ चाय तो आज मैं फ्री की पीके रहूंगा। अरे भाई लोग आ जाओ, अरे कहाँ रह गए तुम लोग? देख लो सब लोग, रेस जीतते हुए हम आज फ्री की चाय पीनी है। अरे उधर चाचा के पास नहीं जाना है, नहीं तो चाचा बुला लेगा बाहर। अरे 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 भाई ऐसा लग रहा ओनम वाली रेस हो रही है। गए भाई लोग झाड़ी में, गए भाई लोग झाड़ी में। आराम से धीरज, डराता है, हट जाओ, मेरे को नहीं आता चलाना। हाँ अरे ये बोट तुम्हारी बोट जिधर जा रही है उधर ही आ रही है।
आगे नारियल का झाड़ आएगा ना उसके आगे मत जाना, पानी कम है तो क्या कटक जाएगा, वहां से टर्न ले लेना। अरे उधर तक जाके आओ, अब तो बैठ गए हो। अरे मेरे को इधर काम मिलेगा क्या 2-3 दिन? हाँ काम मिलेगा क्या? अरे बहुत अच्छा, तो कस्टमर वस्टमर लेके आएगा। और उधर जो है ना अपन प्लान करके जो ना कुछ रख देंगे बीच में, समुद्र के बीच में गिरा देंगे सब। अरे गया, मजा आ गया यार। ये नहीं किया तो क्या किया, ये नहीं किया तो क्या किया, सोचा नहीं था गोवा इतना एक्साइटिंग होगा। आप सब जब भी पहले आया काफ़ी बोरिंग था, मस्त है, मज़ा आ गया। तो ये था कायाकिंग का वीडियो, बाकी और मैं दिखाता हूँ सब क्या है। और ये सर जी का नंबर भी दे दूंगा मैं। हाँ तो सर जी मालूम है ना 10 मिनट एक्स्ट्रा देने गए, वापस 3 बार कबूल कर चुके हैं, निकाह भी 3 बार ही कबूल होता है। अब 3 बार कबूल कर चुके, आओगे तो इनको इनका नाम नंबर। पहला वाला, अच्छा ये पहला वाला आपका है क्या? मैं डायरेक्ट नाम और नंबर दे दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। नंबर देता हूँ ना, हाँ, और आप डायरेक्ट यहाँ से बुकिंग कर लो और आ जाओ। नंबर दे दो। तो अब हम जाने वाले हैं पानी के अंदर, लेकिन पानी में जाने से पहले आपको जो ना उसकी खूबसूरती दिखाते हैं कि मतलब मन अपने आप ललचा जाता है पानी में जाने के लिए। इतना टाइम मैं बीच पर आया, लेकिन मेरा जो ना कभी ऐसा गोवा के बीचेस के अंदर या पानी के अंदर जाने का मन नहीं किया, क्योंकि हमेशा थोड़ी बहुत गंदगी दिखी। लेकिन आप ये देखो, ये देखो मेरे पैर देखो भाई, और पैर से ज़्यादा पानी के अंदर का व्यू देखो। मज़ा, और अभी इस पानी के अंदर हम जाने वाले हैं। चलो, ओह यार सब नहीं किया तो बेकार है। तो कोला बीच का एडवेंचर तो मैंने कर लिया, सिर्फ इतना है कि मुझे आने में थोड़ी मशक्कत हुई, क्योंकि मैं जब आया तो मुझे आधे घंटे का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और मैं जब आया तब यहाँ पे 8:30 बज रहे थे। तो आप 8:30 बजे आओगे या 8 बजे के आसपास आओगे या 9 बजे के आसपास आओगे तो ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो आप आके आराम से कायाकिंग कर सकते हो, अपनी फेवरेट बोट ले सकते हो, टाइम भी वो लोग एक्स्ट्रा दे देंगे। हाँ, वीडियो के एंड में मैं उस बंदे का नंबर और नाम ड्रॉप कर रहा हूँ, आप उनसे बात करो। अगर आपको चाहिए तो मेरा रेफरेंस दो, नहीं चाहिए तो मत दो, आप बात कर लो। अगर आप रेफरेंस दोगे तो बोल सकते हो हमने वीडियो में देखा था, क्योंकि उसने 2 बार कबूल किया कि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा देगा, तो 10 मिनट में 15 मिनट भी एक्स्ट्रा दे देगा। तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसको बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबका एक ही प्राइस है। सिंगल हो तो 100 रुपया देना पड़ेगा, सिंगल रहोगे हमेशा फ़ायदे में रहोगे, डबल रहोगे 200 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं आया, मैंने 100 रुपये में कायाकिंग किया, मैं आया, मैं नहाया, मतलब लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब भाई ये सुबह तो बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, 100 रुपये में और इससे ज़्यादा क्या लोगे। बहुत एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्वीट वाटर लेक बोलो, ब्लू लगून बोलो, बैक वाटर्स बोलो, पानी बहुत साफ़ है, नहाने में बहुत मज़ा आया। बीच में नहाने से अच्छा है आप यहाँ के नहा लो, यहाँ के स्विम करो, बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत पीसफुल है, ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो आप यहाँ आओगे तो कायाकिंग ज़रूर करना, और कुछ भी ऐसी हो इन्फॉर्मेशन हो जो तुमको पूछनी हो, आपको नहीं पता आप मुझे पूछ सकते हो। मैं तो कायाकिंग में जाके पलटी हो गया, इसलिए मुझे चेंज ऑफ क्लोथ्स लाया था और मुझे वो करना था और मुझे यहाँ नहाना भी था, लेकिन कायाकिंग में अगर आप आराम आराम से चलाओगे तो पलटी नहीं होता, और ज़्यादा कुछ पानी गहरा रहता नहीं है, कमर तक रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ डर है क्या, मैं जानबूझ के लाइफ जैकेट पहन के गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो क्योंकि मैंने सेफर साइड मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया, लेकिन बाद में पता चला पानी गहरा है ही नहीं और लाइफ जैकेट पहनने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आप साउथ गोवा आ रहे हो तो 2-3 चीज़ें तो हमेशा, एक बटरफ्लाई बीच जिसका वीडियो का लिंक यहाँ पे है, दूसरा आप स्टे कहाँ करोगे वो वीडियो का भी लिंक यहाँ पे है, और एक और बात
कोला बीच, कोला बीच में आके स्वीट वाटर लेक, बैक वाटर लगून, ब्लू लगून, जो भी आप बोलो उसका उसका तो वीडियो है ही। तो आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, कहाँ रहोगे, कैसे ट्रैवल करोगे, आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का वीडियो इतना ही और कोला बीच के बारे में इतना ही। बाकी बीच तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बीच छोटा है, मेन अट्रैक्शन यही है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, कि इंस्टा पे कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ या छोटे छोटे पोस्ट होते हैं, जैसे खाना कहाँ खाया, चाय कहाँ पी, क्या कितने में पड़ा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप मुझसे वहाँ कनेक्ट करते हो तो एक बात अच्छी हो जाएगी, आपके मैसेजेस का जो रिप्लाई है वो इंस्टेंट हो जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और मैं आपको अपनी सिंगल होने की पूरी स्टोरीज बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।